हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एपी थैंक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमर प्रकाश, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम के कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। यदि आप अपने आप को एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बोल या भी आप पढ़ाई कर रहे किसी स्कूल या फिर कॉलेज में, और इसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, तो इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि मैग्नीफायर, ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी भी ब्राउज़र पर रहते हैं, ठीक है, किसी भी ब्राउज़र पर रहते हैं या कोई भी ड्राइव में रहिए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, मैग्नीफाइड करने के लिए आपको विंडोज़ की, ठीक है, और प्लस का बटन, जैसे ही विंडोज़ की और प्लस का बटन जैसे ही दबाएगा तो एक मैग्नीफायर ग्लास यहाँ पर आपको आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप मैग्नीफायर कर सकते हैं, जूम करके, जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा, और प्लस को जितना दबाएंगे हम उतना जूम होता चलेगा, और उसको बड़े बड़े अक्षरों में उसको हम देख सकते हैं। जिसको सिंपली दिखाई नहीं देगा तो इस फीचर को इनेबल करके वो देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में। आप चाहे तो विंडोज़ की और विंडोज़ की के साथ माइनस को ऐसे दबाते चलिए तो जूम आउट होगा, और प्लस को दबाइएगा तो जूम इन होगा। उसके बाद यहाँ से माउस को इधर लेके चलिए, ऊपर नीचे जहाँ भी लेके जाइएगा उसे होता चलेगा। ये सभी मतलब चाहे ब्राउज़र पर रहिए या किसी भी ड्राइव में रहिए, ठीक है। जैसे कि हम किसी ड्राइव में जाके आपको दिखाते हैं, मान लीजिए कि ये वाला ड्राइव है, ठीक है, हम यहाँ पर ड्राइव में गए। उसके बाद विंडोज़ की प्लस एम, ठीक है, तो देखिए बड़ा होता चलेगा। उसके बाद फिर से माउस को यहीं भी लेके जाइए, ये पूरे लैपटॉप सिस्टम के अंदर ये काम करता है, चाहे कोई ब्राउज़र हो, चाहे आप किसी ड्राइव में जाइए या कहीं पर भी जाइए। और उसके बाद इसको आप हटाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से उस पर कट कर दीजिए तो ये हट जाएगा। नेक्स्ट जो फीचर है, किसी भी टैब को मिनिमाइज करना या डेस्कटॉप पे आना। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे टैब को हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में खोल लेते हैं। मान लीजिए कि ये सारा टैब है, ये टैब है, ठीक है, यहाँ से हम इस टैब पे गए, यहाँ से बहुत सारे टैब पे गए, तो हमें मतलब डेस्कटॉप पे अगर आना चाहते हैं तो बार बार हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो डेस्कटॉप पे हम आएंगे। इस तरह से मिनिमाइज करते चलेंगे, पीछे होते जाएंगे तो हम डेस्कटॉप पे आएंगे। लेकिन इसके लिए आप एक शॉर्टकट सीधा की इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही विंडोज़ की और डी दबाइएगा तो अपना डेस्कटॉप पे आप सीधे चले आइएगा, और उसके बाद फिर से यदि आप चाहते हैं उसी पेज पर जाने के लिए तो आप सीधे उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर आइए। और दूसरा तरीका ये है कि डेट और टाइम के बगल के जस्ट, देखिए डेट और टाइम यहाँ है, उसके जस्ट बगल में क्लिक करेंगे तो भी हम डेस्कटॉप पे चले आएंगे। और दूसरा तरीका ये भी है कि बहुत सारे टैब आपका खुला रहता है, जैसे कि देख लीजिए हम ये सारा टैब हम खोल दिए, बहुत सारा टैब हम ये खोल दिए, ठीक है। विंडोज़ की के साथ एम प्रेस करेंगे तो भी मिनिमाइज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। विंडोज़ की एम दाबे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमाइज करने का हम दो तरीका बताए कि आप या तो सीधे डेस्कटॉप विंडोज़ की डी दबाइए तो भी मिनिमाइज, आप डेस्कटॉप पे चले आइएगा, और उसके साथ नहीं तो आप विंडोज़ की के साथ एम दबाइए, उसके बाद भी आप सीधे अपना मिनिमाइज हो जाएगा, या डेट और टाइम के बगल में आप प्रेस कीजिएगा तो भी आप सीधे डेस्कटॉप पे आ जाइएगा। उसके बाद तीसरा जो तरीका है ये थोड़ा खतरनाक है, और ये आप सोच समझ के कीजिएगा। यदि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट मारना चाहते हैं, किसी भी ड्राइव मतलब अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट मारना चाहते हैं, तो नोटपैड का ये मेथड आपको अपना लेना चाहिए। और फॉर्मेट करने से पहले आप एक बार हज़ार बार सोच लीजिए कि आपको फॉर्मेट करना है या नहीं, उसके बाद ही इस ट्रिप को आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की है। आपका लैपटॉप का जितने भी ड्राइव में जो भी रहेगा सारा चीज़ फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके न्यू पे जाइए, ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करके एक फोल्डर बन जाएगा, उस पर डबल क्लिक कीजिए, ठीक है। और उसके बाद एक कोड है जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो कोड को आपको यहाँ से पेस्ट कॉपी कर लेना है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और इस वाले इस पे यहाँ पर उसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद फाइल पे जाइए और सेव एज पे जाइए, और उसके बाद जो भी नाम, जैसे कि फॉर्मेट नाम से हम फॉर्मेट नाम से दे दीजिए, उसके बाद .exe एक्सटेंशन देना अनिवार्य है। तभी आप जैसे ही .exe करके सेव कीजिएगा, आपके लैपटॉप सिस्टम में, हम आपको दिखाते हैं,
जैसे ही इस .exe करके आप सेव कीजिएगा, आपके लैपटॉप सिस्टम में जो भी नाम रहेगा फॉर्मेट, तो फॉर्मेट करके यहाँ पर आपको एक फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही उसको आप डबल क्लिक कीजिएगा, आपका लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी जो भी चीज़ है सारा चीज़ फॉर्मेट होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही देर में आपका लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम फॉर्मेट हो जाएगा। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, तो ये सब करने से पहले आप हज़ार बार सोच लीजिए कि आपको लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्मेट करना है या नहीं, उसके बाद ही इस मेथड को आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ नए सीखने को मिले होंगे और कुछ आप पहले से भी जानते होंगे। दोस्तों एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा था, और यदि वीडियो को समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो इसके लिए आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखे हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी जानकारी आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए बाय।